सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुविता रॉय चौधरी हमारे साथ हैं। अनुविता जी, पहले हम देखते थे कि वेदर बदलता था तो पॉल्यूशन भी चेंज हो जाता था। नॉर्मली ये देखा जाता था कि सर्दी में पॉल्यूशन ज़्यादा है। अभी जो आप लोग डाटा देख रहे हो उसके हिसाब से क्या कुछ आ रहा है? देखिए, सर्दियों में जो प्रदूषण होता है और गर्मी में जो प्रदूषण होती है, अंतर है। और अभी हमने डेटा देखा तो इससे पता चला कि अगर सर्दियों में जितने ऊंचाई तक प्रदूषण पहुंचती है, अभी तक गर्मी में उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंची, पर काफ़ी ऊंचाई तक पहुंची है। और सबसे बड़ी बात है कि इस साल जब हमने अभी हाल ही में हमने जो नए आंकड़े हैं उसको देखा, और हमने जनवरी से लेके मई के महीने तक देखा, और पिछले कुछ सालों का से हमने उसके कंपैरिजन की 2018 ऑनवर्ड्स, जो चौंकाने देने वाली बात है कि इस साल जो मार्च और अप्रैल की जो महीना है और मई भी, जो लेवल्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं अगर आप अभी तक जो हुआ है। और बहुत इंटरेस्टिंग है कि 2018 के उस समय जो लेवल्स थे उसके बाद लेवल्स घट रहे थे, जो अगर आप मंथली एवरेजेस को देखें, और जब पैंडेमिक का समय आया तो और भी काफ़ी घटा, पर अभी इट्स बैक विद अ वेंजेंस कि अभी फिर से हम देख रहे हैं कि वो बढ़ रहा है। और इस बार मार्च के महीने में जो लेवल्स हैं, ऐसा मार्च में हमने पहले नहीं देखा या अप्रैल में नहीं देखा। तो इस बार कुछ खासियत भी है, क्योंकि जो अभी हीट वेव जो चला और जो गर्मी पड़ी, और ये भी एक मौसम था जो बहुत ड्राई था। ये हॉटेस्ट और ड्राइस्ट मार्च और अप्रैल माना जाता है। तो इससे जो समर पोल्यूशन के ऊपर जो इसका जो प्रभाव हुआ, एक है कि ड्राई होने के कारण डस्ट का प्रभाव जो है वो बहुत बड़ा, और वो भी एक कारण है। पर हमें डस्ट को भी थोड़ा समझ के चलना चाहिए कि डस्ट कोई ऐसा धूल नहीं है कि हानिकारक नहीं है, क्योंकि ये जो धूल है यही जो कंबस्चन सोर्सेस से जो प्रदूषण आ रहा है उसको उठाते हुए हमारे सांसों के साथ वो अंदर जाता है। यानी आप कह रही हैं क्योंकि इस बार जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस रहे, यानी जो मौसम से जुड़ा हुआ की परिस्थितियां रही, उसकी वजह से ये एबनॉर्मल ज्यादा ऊंचाई पर गया है, और इसमें कुछ नए भी कोई पॉल्यूटेंट आपको दिखे हैं? एक और शोध जो अभी हम कर रहे हैं और जिसके बारे में हर साल थोड़ा बहुत चर्चा होता है, पर जिस तरीके से हमें इसको अटेंशन देना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, वो है ओजोन। और हर साल गर्मियों के समय हम देखते हैं कि ओजोन की मात्रा बढ़ती है, और जो मानक बनाए गए हैं ओजोन के लिए उसको वो एक्सीड कर जाती है। इस साल भी जब अभी हम देख रहे हैं जो आंकड़े, और अभी गर्मियों के समय जो आंकड़े हैं, इस बार हम देख रहे हैं कि ओजोन मानक को तो एक्सीड कर ही रहा है, पर जो उसका फैलाव है जो शहर में, क्योंकि ओजोन एक ऐसा प्रदूषण है जिसको हम PM2.5 के जैसे पूरा शहर के लेवल पे एक एवरेज नहीं बना सकते। ओजोन जिस जगह जहाँ जब बढ़ रहा है वहीं पर वो हानिकारक है। सो इसीलिए हम इस बार हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जो जितने भी मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, अगर पहले एक दिन में कुछ मॉनिटरिंग स्टेशन में एक्सीडेंट्स होता था, पर इस बार काफ़ी जगह पे उस जो उसकी जो तो लेवल्स हैं वो मानक से ऊंचा जा रहा है। कौन कौन से मॉनिटरिंग स्टेशन है? क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ओजोन, एक तो ओजोन कैसे नुकसान पहुंचाता है एक इंसान को, और दूसरा कौन कौन से मॉनिटरिंग स्टेशन है जहां पर ये नॉर्मल से ऊपर जा रहा है? तो दिल्ली में ये कोई एक जगह नहीं है, क्योंकि अगर आप हर दिन देखें तो ये चेंज होता रहता है मॉनिटरिंग लोकेशंस। पर ब्रॉडली आप ईस्ट दिल्ली, आप द इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, कुछ साउथ दिल्ली में भी हम देख रहे हैं, तो ये एक फ्लक्चुएटिंग सिचुएशन है कि आज अगर यहाँ पे बढ़ रहा है तो कल और कहीं बढ़ेगा, पर फैलाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब ओजोन, इसीलिए हम उसके बारे में इतना जो उसका जो इतना कंसर्न जो है हमारा आज, कि ओजोन एक बहुत रिएक्टिव गैस है, और ये कहीं से निकल के नहीं आता, ये हवा में बनता है। तो जो गाड़ियों से, इंडस्ट्रीज के स्टैक से, पावर प्लांट से जो जहरीले गैसेस निकलते हैं, वो जब हाई टेम्परेचर और सनशाइन होती है धूप में, उनकी उन आपस में रिएक्शन होती है और उससे ओजोन बनता है।
तो अगर ओजोन को कम करना है तो हमें जो गाड़ियां और इंडस्ट्रीज से जो एमिशंस हो रहे हैं, गैसेस निकल रहे हैं, उसको हमें कम करना पड़ेगा। और ओजोन की जो खासियत है कि अगर कुछ घंटों के लिए भी ओजोन की मात्रा बहुत ज़्यादा चली जाती है, और दिन में होता है वो ज़्यादातर, तो जो पीड़ित हैं, जो वल्नरेबल हैं, जिनको एस्मा या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर एकदम से एक ट्रिगर इफेक्ट होता है। इसलिए माना जाता है कि ओजोन बढ़ता है तो एमरजेंसी हॉस्पिटल एडमिशन जो रेस्पिरेटरी कंडीशन से जुड़े होते हैं वो भी बढ़ जाता है। और इसीलिए ओजोन एक ऐसा पोल्यूटेंट है जिसके लिए मानक सिर्फ 8 घंटा या 1 घंटे की एवरेज में बनाया जाता है, जहाँ की PM2.5 में हम 24 घंटे की एवरेज देखते हैं। तो इसीलिए अभी हमें देखना होगा कि अभी एक नया टॉक्सिक कॉकटेल के बारे में बात हो रही है, तो आप समर पोल्यूशन को उतना सेफ मत मानिए। तो यही बात है, क्योंकि जब सर्दियों में पोल्यूशन होता है तो वो दिखता है, आपको धुंध दिखता है, स्मॉग दिखता है, लेकिन गर्मियों में जैसा अनुमिता जी बता रही हैं, क्या कि ओजोन जैसे गैस हैं जो दिखते नहीं हैं और वो आप पर सीधा सीधा असर भी करते हैं और ज़्यादा जल्दी असर करते हैं। इसीलिए जो गर्मियों में खासतौर पर मार्च और अप्रैल के इस महीने में जो पॉल्यूशन अचानक बढ़ गया है इस साल, वो बहुत चिंता की बात है और उसको लेकर के डरने की भी अब ज़्यादा ज़रूरत है।